हेलो सो कैसे हैं आप लोग। आज हम वीडियो के अंदर कॉइन DCX जो एप्लीकेशन है जिससे हम क्रिप्टो करेंसी बाई और सेल करते हैं उस पर लिमिट ऑर्डर जो है वो सेट करना सीखेंगे। क्या होता है वो हम आगे आने वाले वीडियो के अंदर बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं एप्लीकेशन के अंदर चला जाता हूँ। एप्लीकेशन में हम आ गए हैं। सो एप्लीकेशन में आने के बाद मैं अपना जो बैलेंस है वो बता देता हूँ। अभी 201 रुपये मेरे बैलेंस में है जो अवेलेबल टू इन्वेस्ट, इतने इन्वेस्ट कर सकता हूँ मैं। इन्वेस्ट करना नहीं बताऊँगा, किस तरीके से किया जाता है वो ऑलरेडी मैंने पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप उस पर चेक कर सकते हैं। फिलहाल हमारा जो सबसे पहला काम है वो लिमिट ऑर्डर बताना है। तो हम पहले जाते हैं प्राइजेज में, ऑल कॉइन्स में गए। यहाँ पर बिटकॉइन जो है वो बिटकॉइन के साथ में ही हम करेंगे, यहाँ पे बाय जाते हैं। अब मैं आपको पहले बताता हूँ कि जो लिमिट ऑर्डर है इसका मतलब होता क्या है। लिमिट ऑर्डर का मतलब ये होता है कि जैसे 30 लाख रुपए का भी इस समय बिटकॉइन है, राउंड ऑफ में चल रहे हैं हम, 30 लाख रुपए का बिटकॉइन है। आपने मान लो 100 रुपए का बिटकॉइन खरीद लिया, ठीक है। अब आप चाहते हो कि भाई मैंने तो 30 लाख का खरीदा, जब बिटकॉइन की वैल्यू 30 लाख थी तब मैंने खरीदा है, बट मैं कब बेचूंगा, जब बिटकॉइन की वैल्यू बढ़ेगी तभी तो बेचूंगा, तभी तो मुझे फायदा होगा। तो मैंने क्या किया, मैंने इसमें ऑर्डर सेट कर दी कि भैया देखो अभी तो 30 लाख है, जब ये बिटकॉइन 40 लाख 45 लाख पे पहुंच जाए ना तब ये मेरा जितना भी अमाउंट है वो सेल हो जाना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है मैं प्रॉफिट में चला जाऊंगा। तो उसके लिए क्या है, तो जैसे ही आप बाई बिटकॉइन पे जाते हैं, अब तक तो हम इंस्टेंट कर रहे थे कि तुरंत आपने रुपए डाले, कितने का बिटकॉइन हुआ, स्वाइप कर लिया और आपने बिटकॉइन खरीद लिया। हम अभी इस समय लिमिट ऑर्डर सेट करेंगे। तो उसके लिए ऊपर जैसे आपको इंस्टेंट नज़र आ रहा है ना, इंस्टेंट पे जाइए। इंस्टेंट के बाद में यहाँ पर लिमिट का ऑप्शन है, उसको देखिए। लिमिट में आप जैसे जाते हैं तो यहाँ पर सबसे पहला जो आ रहा है वो है लिमिट प्राइस, मतलब कितनी प्राइस पे आप बेचना या खरीदना चाहते हैं। जैसे अभी मैं बाई करना चाहता हूँ, तो बाई तो हम सस्ते में करेंगे ना, अभी खरीदेंगे तो सस्ते में खरीदेंगे, बेचेंगे तो महंगे में बेचेंगे। तो अभी 30 लाख है, 30 लाख 31,000 है। मैं कह रहा हूँ कि भाई बिटकॉइन की जब कीमत है ना 30 लाख और 31,000 है, तो मैं कह रहा हूँ 28,000 तक आ जाए। तो जैसे ही बिटकॉइन की कीमत 30 लाख 28,000 हो जाएगी तो आप खरीद लीजिएगा, मतलब मुझे मिल जाए। अब कितने का बिटकॉइन आपको खरीदना है, मैं 100 रुपये का डाल देता हूँ, तो मतलब 100 रुपये का बिटकॉइन अपने आप खरीद लिया जाएगा। मतलब आपको ऐसे मोबाइल पकड़ के बैठना नहीं पड़ेगा कि यार कब 28,000 होगा, कब 28,000 होगा, 30 लाख 28,000 होगा, तो वो आपको देखना नहीं पड़ेगा। ऑर्डर आपने कर दिया कि भाई मेरा ऑर्डर ये है कि 30 लाख 28,000 जैसी बिटकॉइन पहुंचे तो मेरा 100 रुपये का बिटकॉइन अपने आप ही परचेज कर लो। मैं यहाँ पर जाता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ। यहाँ पर याद रखिएगा 0.2% फीस लगेगी ही लगेगी आपकी, ठीक है। तो ये है इसकी फिक्स फीस है 0.2% की। मैं स्वाइप करता हूँ एंड स्वाइप करने के बाद प्लेस हो गया, ऑर्डर आपका सक्सेसफुली प्लेस हो चुका है। अब देखिए ऑर्डर टाइप लिमिट है, लिमिट की प्राइस कितनी है आपने कहा कि भाई 30 लाख 28,000 जब भी बिटकॉइन की प्राइस हो जाए तो 100 रुपये का जो बिटकॉइन है वो हमेशा हमारे पास आ जाए। जो फीस वगैरह लगी है वो उसके बाद में 121 का टोटल हो चुका है। सो ये डन हो गया। तो जैसे ही हम ऑर्डर्स के अंदर जाते हैं, ऑर्डर्स में आप देखेंगे यहाँ पे अभी बिटकॉइन खरीदा नहीं गया क्योंकि अभी जो उसकी कीमत है वो ऑलरेडी देखिए आप देख पा रहे हो 30 लाख 36,000 चल रही है अभी बिटकॉइन की कीमत, और जो इसकी प्राइस मैंने जो सेट करी है वो करी है 30 लाख 28,000। तो ये मैंने अभी सेट कर दी है। अब हम आपको बताते हैं कि जैसे मैंने खरीदा है उसको हम बेचेंगे कैसे। तो अभी तो ये ऑर्डर लग चुका है, तो ये जब खरीदेगा कब, जब 30 लाख इसकी 28,000 वैल्यू होगी तब ऑटोमेटिक 100 रुपये का बिटकॉइन अपने आप खरीदने में आ जाएगा। अब मैं बेचने का बताता हूँ सेल कैसे करना है आपको। इन्वेस्टमेंट में जाओ तो अभी मैंने क्या है इथेरियम परचेज करके रख रखा है, मैं इसमें सेल क्लिक करता हूँ। अब सेल में जैसे आपने इंस्टेंट में ऊपर वहाँ क्लिक किया था ना, तो अगेन आपको इंस्टेंट करना है, लिमिट में करना है। अभी जो इथेरियम की वैल्यू है वो है 2,10,000। मैं कहता हूँ कि भाई अभी मेरा इस वैल्यू पे है तो मैं कह रहा हूँ कि भाई 2 लाख, ये जब 2,15,000 पहुँचे तब ये इथेरियम मेरा बिक जाना चाहिए। कितने का बिक जाना चाहिए, जितना भी मेरे पास है वो सब बिक जाना चाहिए। ये मैं ऑर्डर लगा रहा हूँ कि जब भी 2,15,000 इसकी वैल्यू पहुँचे इथेरियम की तो मेरा जितना भी इथेरियम मेरे पास है वो सब बिक जाना चाहिए। मैं नेक्स्ट करता हूँ, स्वाइप टू सेल करता हूँ और ऑर्डर प्लेस कर दिया मैंने। तो अब जब भी इसकी वैल्यू 2,15,000 तक पहुँचेगी ऑटोमेटिक जो इथेरियम है वो सेल आउट हो जाएगा। तो कुल मिला के बात ये है कि ऑर्डर तभी लगाया जाता है जब आपको सेट करना हो कि भाई मुझे बार बार मोबाइल नहीं देखना, मुझे पता है कि इसकी वैल्यू इतनी कम होने वाली है, हो जाएगी तभी खरीदना है मुझे। तो इस तरीके से आप ऑर्डर सेट कर सकते हैं, काफ़ी आसान है। ऑलरेडी मैंने जो प्लेलिस्ट बनाई वो आप देख सकते हैं, और मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।